तीर्थराज प्रयाग के यमुना तट पर स्थित प्राचीन भगवान शिव का सोमेश्वर नाथ मंदिर स्थापित है, जिसकी महिमा पौराणिक कालों से बताई जाती है। कहा जाता है कि यमुना तट पर अरैल गांव में भगवान शिव की स्थापना चंद्रमा ने की थी। सोमेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना के लिए स्वयं भगवान शिव ने चंद्रमा को स्थापित करने को कहा था और उनके ही कहने पर चंद्रमा ने सोमेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना की थी। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर के आसपास अमृत की वर्षा होती है, साथ ही यहाँ मंदिर पर विराजित त्रिशूल की दिशा भी चंद्रमा के साथ बदलती है। सोमेश्वर नाथ मंदिर के प्रमुख महंत ने बताया, इस मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रमा के द्वारा की गई थी और भगवान शंकर की आराधना कर चंद्रमा अपने क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जिससे चंद्रमा कुरूप होकर क्षय रोग से ग्रसित हो गए। श्राप मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर उनकी आराधना की। उसी प्राचीन मंदिर को सोमेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ दर्शन पूजन करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यदि इसके चंद्रकुंड में एक माह स्नान कर भगवान शिव की पूजा आराधना करें तो क्षय रोग से मुक्ति मिल सकती है। मंदिर के ऊपर छत्र पर जो त्रिशूल लगा है, वहां चंद्रमा के पृथ्वी के चक्कर लगने के अनुसार ही अपना कोण बदलता है। सोमेश्वर नाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसके बारे में यहां मान्यता पर पूजा पाठ करने के बाद मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट नहीं घेरता है।